हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी टीचिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो AEES को कर रहे हैं, चाहे वो DSSSB को कर रहे हैं या फिर KVS को कर रहे हो, ठीक है, उनमें भी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ स्टडी के बेस पर इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे जिन लोगों ने अभी अपनी तैयारी स्टार्ट करी है, जैसे आप लोगों का AES के वाले फॉर्म्स चल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी तैयारी को लेकर प्रॉब्लम है कि भाई कौन सी बुक से हम लोग इसकी तैयारी करें, ठीक है, ताकि हम लोग का पेपर क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले आप एक बात सुनना, आप तीनों, मैं तीनों एग्जाम्स को बता रही हूँ, ठीक है, चाहे वो KV हो, चाहे वो DSSSB हो, चाहे वो AES हो, ठीक है, अगर आप तीनों को उठाएंगे ना, तो तीनों में जो कॉमन चीज़ें हैं, वो तीनों में सिमिलरिटी ये है कि भैया तीनों के सब्जेक्ट सेम है, यानी कि सब में आपको सेम बुक से ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इस AES के लिए आप कोई अलग बुक लेके आएंगे, उसके लिए कोई अलग लेके आएंगे, आपके पास जो भी बुक्स हैं सबका सिलेबस सेम है, आपको सेम बुक से ही अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। आपके पास जो भी बुक है आप उससे अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। स्पेशली मैं अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बुक्स ही डिस्कस करूँगी कि भाई कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हो जो कि अच्छी हैं और वो तीनों में आपकी काम करेंगी। यही नहीं कि केवल AES में ही करेगी या KV में ही करेगी या DSSSB में ही करेगी, सब में वो काम करेगी। तो ये वीडियो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बुक्स को लेके, तो उसको ध्यान से सुने, ठीक है। देखो, अगर हम तीनों में देखते हैं तो भाई देखो, आपका इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, ठीक है, रीजनिंग मैथ्स भी आएगी, GK करंट अफेयर्स रहेगा, साइंस रहेगा, हर एक पार्ट रहेगा थोड़ा 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 करके, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ सबसे पहले, तो इंग्लिश के लिए ना आप कोई सी भी बुक आपके पास है, चाहे आपके पास अगर लूसेंट है, ठीक है, या फिर SP बख्शी है, वो आपके पास कोई भी इंग्लिश की बुक है, चाहे वो आपके पास KD कैंपस की जो बुक्स आती है ना, प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली, अगर पास आपके पास वो भी बुक्स हैं, कोई भी आपके पास बुक्स है, वो सब बुक आपकी काम करेंगी, आप समझ लीजिए। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास बुक्स रखी हैं, देखो मेरे पास ना ये है जो कि SC बख्शी की बुक है, ठीक है, ये मैंने बहुत पढ़ी हुई है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है यार, इसमें ना सब चीज़ें कवर हैं, अगर आप देखोगे ना हर एक टॉपिक इसमें अच्छे से डिटेल से है, उसके बाद क्वेश्चंस भी हैं, मतलब मुझे ये बुक बहुत पर्सनली मुझे बुक बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, ये वाली बुक आप ले सकते हो। या फिर अगर किसी के पास ये इंग्लिश की वाली लूसेंट हो, ठीक है, आप ये ले लीजिए, ये भी बहुत अच्छी, इसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं। तो आप जगह जगह मत जाइए, देखो आप ना कोई भी एक सोर्स लीजिए और एक सोर्स से आप लोग बस स्टक रहिए, ये नहीं कि आप इंग्लिश की दो तीन बुक ले आए फिर दो तीन से पढ़े। देखो, सबसे पहले ना आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आप ये देखो कि भैया कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है, कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में ये टॉपिक्स आते हैं, उसको एक जगह नोट डाउन कर लो। मैथ्स है, मैथ्स में भैया ये टॉपिक्स आते हैं आपके, उनको एक जगह नोट डाउन कर लो। रीजनिंग है, उसमें एक जगह नोट डाउन कर लो। ऐसे करके पहले आप एक अपनी पूरी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप लिस्ट तैयार कर लो, उसके बाद देखो कि भैया आपने सपोज ये वाली बुक ले ली लूसेंट की इंग्लिश, ठीक है, इसमें आप लोग देखो कि अच्छा भैया पहला चैप्टर है आपका, मान लीजिए सपोज फॉर आपका ये वाला चैप्टर है, यानी कि idioms एंड phrases का है, ठीक है। आपको पता है कि idioms phrases जो हैं वो तीनों में कॉमन है, यानी कि तीनों एग्जाम्स में आते हैं, तो उठाओ फटाक से चैप्टर और अपना उसको कवर करो यार। इस तरीके से आपने पूरी तैयारी करनी है, यानी कि किसी भी टॉपिक वाइज आपको तैयारी करनी है। आप सब्जेक्ट उठाओ, उसका टॉपिक देखो, उसके टॉपिक्स नोट डाउन कर लो। आपने देखा कि पहला टॉपिक idioms एंड phrases है, ठीक है, बुक ली आपने, अपना चैप्टर खोला, उसके idioms phrases करे, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर ली, पीछे क्वेश्चंस भी होते हैं प्रैक्टिस के लिए, वहां से अपनी प्रैक्टिस कर ली, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो इंग्लिश के लिए आप कोई भी आपके पास बुक है, चाहे लूसेंट हो, SP बख्शी हो, चाहे प्लिंथ टू पैरामाउंट हो, या फिर उसके अलावा कोई भी बुक हो, ठीक है, जो आपको लगे कि हाँ भाई अच्छी बुक है और इसमें चीज़ें कवर हैं, आप उन बुक्स को लीजिए और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं हिंदी की बात करती हूँ, ठीक है, हिंदी, तो हिंदी में ना आपके पास हिंदी की चाहे लूसेंट हो, हिंदी की भी लूसेंट बहुत अच्छी है, उससे भी आप कवर कर सकते हो, चाहे आपके पास आदित्य पब्लिकेशन हो या फिर कोई और भी बुक हो जिसमें आपके वो चैप्टर्स कवर हो, ठीक है, जो जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, जिन जिन से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आप लोग ना अपना सिलेबस देखो कि भैया सिलेबस क्या है, उसके बाद सिलेबस के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लो, उसके बाद भैया एक पेपर पे जाओ, उसको नोट करो बैठ के सारी चीज़ें जो जो आपके टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक आते हैं जैसे सब्जेक्ट्स, उनको एक पेपर पे नोट डाउन कर लो हर सब्जेक्ट्स का। उसके बाद अपनी बुक उठाओ, जो भी आपके पास बुक है उसमें देखो क्या उसमें वो टॉपिक है, अगर वो है तो उस बुक से उस टॉपिक को कवर कर लो। ये एक तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। अगर मैं हिंदी की बात बता रही थी ना आपको, तो जैसे मेरे पास हिंदी की ये भी है, ठीक है, ये है मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन, ये भी अच्छी बुक है, बस इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। बाकी लूसेंट जिसके पास है वो भी बहुत अच्छी बुक है यार, लूसेंट से अपना कवर करो, बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है। जो भी बुक है वहाँ से उठाओ, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज अपना कवर करो। उसके बाद को ना जो भी SSC लेवल तक की बुक होती है, ठीक है, यानी 12 तक की, वो आपको यहाँ पे लेनी पड़ेंगी। अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है ना, थोड़ा SSC लेवल वाला रहता है, अच्छा खासा रहता है, तो यहाँ तक आप उस तरह की बुक्स आप ले लीजिए। तो जैसे आपको चाहे तो आप लोग अरिहंत की बुक ले सकते हो, ठीक है, आती है उसके बाद, या फिर आप राकेश यादव सर की एक बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है, उसको भी ले सकते हो, या फिर आप RS अग्रवाल ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो इनमें से जो भी, या फिर अगर आपके पास जो भी बुक्स हैं, बस आप ये देख लीजिए कि उनके अंदर वो वाले चैप्टर्स हैं, अगर वो हैं तो आपको सिर्फ अपनी तैयारी करनी है, और जब आपकी तैयारी हो जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रहे, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो पता ही है सबको, है ना।
तो बस ये वाली चीज़ है। तो आप इसके लिए कोई भी बुक ले लीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ साइंस की, तो साइंस के लिए आप 6 to 10 क्लास तक की एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, ठीक है, 6 to 10 क्लास तक की, उसी से आपका साइंस रहता है। और अगर आप जो नहीं भी अगर कर पाते हैं, हम लोग इतना कि 6 to 10 तक का नहीं कर पा रहे, तो देखो एक बुक आती है लुसेंस की, बहुत अच्छी बुक है वो, ये वाली बुक है, ये देखो जनरल नॉलेज करके आती है, ठीक है। इसके अंदर ना आपके सारे सब्जेक्ट्स भी हैं। अब ये दो तरीके से है जनरल नॉलेज की भी, एक तो है एमसीक्यू वाइज, जिसको एमसीक्यू वाइज करना है, यहाँ पे आपका ना हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं इसमें, पॉलिटी के भी हैं एमसीक्यू वाइज, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस है, तो भी अच्छी बुक है, इससे कवर हो जाता है। और साइंस की भी दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, कंप्यूटर भी इसमें दिया हुआ है, पूरी जीके की बुक है ये, इसको आप कवर कर लो लुसेंस की, बहुत अच्छी बुक है। अदरवाइज जिसको थोड़ा सा डीप में, ये तो एमसीक्यू बेस्ड हो गई, और ये वाली है एक और, ये थोड़ा सा ना डीप में दिया हुआ है इसमें, मतलब इसमें हर टॉपिक को थोड़ा डिटेल से समझा हुआ है, तो आप ये वाली भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी आप प्रेफर करें। जिनको एमसीक्यू से पढ़ना है एमसीक्यू पढ़ लो, वरना जिसको पूरा और डीप पढ़ना है तो भाई और तरीके से पढ़ो, ठीक है, ताकि अगर एक आध क्वेश्चन रह जाए तो वो इस वाली बुक से और अच्छे से कवर हो जाए। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, दोनों लुसेंस की बुक है, तो यहाँ से आपका साइंस कवर हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग एनसीईआरटी ले लो 6 to 10 तक की, वो आप सारी कवर कर लीजिए, ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर की ना, तो कंप्यूटर की एक लुसेंट्स आती है, देखो ये है मेरे पास, ये वाली लुसेंट है, इसके अंदर सारे कंप्यूटर के बढ़िया क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मस्त अपना सारे चैप्टर्स वाइज दिए हुए हैं, ये कवर कर लो। एक बड़ी सी भी आती है लुसेंट्स, अभी छोटी सी है थोड़ी, एक बड़ी सी भी आती है कंप्यूटर की, उससे भी आप कवर कर सकते हो। तो मतलब यार लुसेंट्स की बुक लो और वहाँ से जल्दी अपने चैप्टर्स वाइज कवर करो। और देखो मेरे पास तो एक ये वाली बुक भी है, मेरे भैया की बुक है एक्चुअली, वो तैयारी कर रहे थे अपनी बैंक वगैरह की, तो उनके पास ये महिंद्रा की बुक है कंप्यूटर नॉलेज, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें ना सारे बेसिक्स वाले क्वेश्चन सब कुछ दिया हुआ है डिटेल से, चैप्टर वाइज सारे बेसिक्स क्वेश्चन हैं, तो ये भी अच्छी बुक है, तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। मतलब जो भी आपके पास बुक है, आप इधर उधर ज़्यादा मत जाइए कि ये वाली बुक ले लूँ वो वाली बुक ले लूँ, जो भी आपके पास बुक है बस आप लोग अपने चैप्टर्स देखिए और वहाँ से अपना कवर करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ रीजनिंग की, तो यस रीजनिंग के लिए भी वही आपका रहेगा, रिहंत वगैरह की बुक आती है रीजनिंग की, वहाँ से आप कवर कीजिए। और बाकी यूट्यूब की आप लोग हेल्प ले सकते हैं, जो भी आपको चैप्टर नहीं समझ आ रहा है यूट्यूब पे आप डालिए वो चैप्टर्स, आपको बकायदा अच्छी खासी वीडियोज़ आ जाती है, वहाँ से आप उस चीज़ को समझ लीजिए और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए बुक से, ये एक तरीका है। उसके बाद अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करती हूँ ना, तो करंट अफेयर्स में आप लोगों का देखो कोई भी आप लोग मंथली ले लीजिए। देखो करंट अफेयर्स का ऐसा रहता है, जो भी हमारा एग्जाम रहता है ना उसमें हमें लेटेस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स मतलब पढ़ना होता है, ठीक है, मान लीजिए कि हाँ 6 मंथ का आपको पढ़ना होता है, तो उसके लिए आपके लिए सबसे बढ़िया, जैसे मेरे पास स्पीडी है, मैंने ये बुक यूज़ की है, तो ये पूरा ना वार्षिकांक है, पूरा 1 साल तक की आती है, ऐसे ये मंथली भी आती है, तो आप 6 मंथ के हिसाब से इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। इसमें सारे आपको एमसीक्यूज टाइप मिलेंगे, ठीक है, और वन लाइनर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, ये काफ़ी अच्छी बुक है, सब कुछ इसमें कवर है मुझे लगता है, मतलब पर्सनली। बाकी ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स हैं, चाहे क्रॉनिकल भी है, क्रॉनिकल है, प्रतियोगिता दर्पण है, ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स हैं, आप किसी को भी कवर कर सकते हैं। और बाकी अगर ऐसा भी नहीं चाहे तो आप लोग डे टू डे भी कवर कर सकते हैं, चाहे तो भाई डे टू डे आप लोग पढ़ लो, या फिर मंथली टू मंथली भी पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं जो कि आपको पूरा करंट अफेयर्स भी कवर कराते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। बट मैं तो थोड़ा सा ये है कि मैगजीन वगैरह से पढ़ लेती हूँ सारा, मतलब एक बार में ला के कि मंथली कवर कर ली, या फिर ईयरली जैसा भी रहता है एग्जाम, तो वो आप लोगों की मर्जी है आपको किस तरीके से कवर करना है, ठीक है। तो बट ये अच्छी मैगजीन है, ये आपकी स्पीडी वाली जो है काफ़ी अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वन डे एग्जाम्स के लिए काफ़ी सही है। अगर मान लो किसी में 10 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन ही कवर कर देती है, इतना तो है, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं इजीली, तो यही सब सारी चीज़ें हैं। बाकी टीचिंग मेथोडोलॉजी जो कि सभी एग्जाम से पूछा जाता है, तो यार उसके लिए वैसे तो बुक भी है मार्केट में बहुत सारी, अदरवाइज यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ हैं, कहीं भी डालोगे अलग अलग चैनल्स खोलेंगे, आपको जो भी अच्छा लगे आप वहाँ उसका बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो देखना, चाहे आप स्पीड बढ़ा के देखो 2x स्पीड कर लो, जितनी भी कर सको करो, जितनी आपको समझ आए उतनी आप स्पीड कर लो, और वहाँ से आप लोग अपना देखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो वहाँ से आपका पूरा टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पार्ट करो। तो देखो यही सब आपका पूरा रहता है बुक्स वगैरह का सीन, यानी कि आपके पास जो भी बुक्स हैं, यानी एक बुक से आप लोग पढ़ो, यानी हर सब्जेक्ट की एक एक बुक आप लोग रहो, अलग अलग बुक से मत जाओ, कंप्यूटर की 2 ले आऊँ, इंग्लिश की 3 ले आऊँ, या फिर हिंदी की 4 ले आऊँ, ठीक है, मैथ्स की 10 ले आऊँ, वो वाला हिसाब मत करो यार। कोई भी एक बुक रखो, आपको पता है इसमें टॉपिक है, उस बुक से बस वो कवर करो, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये एक तरीका है। तो अगर आपका पूरा कंक्लूजन इज डैट कि भैया आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग में, कोई भी किसी भी एग्जाम को आप लोग हिट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखो कि भी कौन कौन सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं, ठीक है, उनको एक जगह नोट डाउन कर लो। उसके बाद उन सब्जेक्ट्स के भी उनको आप उन सब्जेक्ट्स के आप सब टॉपिक्स लिख लो कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स में देखो पूछे जाते हैं कि अच्छा चलो इंग्लिश में ये है, एक जगह नोट डाउन कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट समय सेम ही रहता है, उसी तरीके का आता है। और देखो ASO को ऐसे पर्टिकुलर सिलेबस डिफाइन नहीं कराया उन्होंने टॉपिक वाइज कि ये करके है, अदरवाइज जबकि KV वगैरह का देखोगे नेट पे तो उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस भी उन लोगों ने डिफाइन किया है टॉपिक वाइज। तो इस तरीके से आप लोग अपने एक जगह नोट कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। उसके बाद बुक्स उठाओ, अपने चैप्टर्स देखो ये हैं, उसको वहाँ से अपनी कवर करो,
कवर करने के बाद जब आपका सारा हो जाए उसके बाद आप लोग ज्यादा से ज्यादा बस प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा आप लोग मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस रहेगी बस, ठीक है। इसके अलावा यही सब पूरे मूल मंत्र, इसके अलावा कोई एक तैयारी का वो नहीं होता, बस आपको यही सेल्फ स्टडी करनी है और अपने आप पे खुद पे अपने आप को विश्वास रखना है कि आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल करेंगे आप लोग, बस ये कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। डेली आप लोग पढ़िए और एक टारगेट बना लीजिए कि भैया एक दिन में आपको इतना पढ़ना है, एक दिन में आपको इतना पढ़ना है, एक टारगेट के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कीजिए तो बिल्कुल हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, बस इस हिसाब से अपना पढ़ना स्टार्ट करें।